मस्त छोले डाल लो। ये मैंने आलू छोले डाले, ये मसाले, और ये इसके ऊपर दही का तड़का। ये कितने की है वाली? ये 50 रुपए की एक होती है। अच्छा। हाँ 100 रुपए की प्लेट है। दो पापड़ के साथ। हाँ ये छोलों का पानी और ये मीठी चटनी दोबारा से, और इसे पकड़ के खाई जाती है सूखी तरह से। हरी मिर्चों का पेस्ट होता है, हाईब्रिड मिर्चें कहलाती है। हाँ हाईब्रिड बड़ी खतरनाक होती है। सोच समझ के आओ। देखा आ गया ना। ये मीठी चटनी लगाई और ये पापड़ रखी, ये नमक और ये थोड़ा सा 12 मसाला, और ये इसका दही का तड़का, और फिर उसके बाद ये बेली की चटनी, और ये प्याज, और ये पकड़ के खाई जाएगी। देखो ये पकड़ के कैसे खाएंगे दिखाएंगे, बता रहे हैं भाई जरा। जी भाई चेक करके बताएं कैसी है। हाँ बड़ो पका क्या हाल है? क्या क्या भाई खास क्या बात है इसमें जो इतने अच्छे से आप जा रहे हैं? इसका पहला टेस्ट देते ही मुंह में जो ब्लास्ट होता है ना मसालों का और स्पाइसेस का, जन का ब्लास्ट होता है, लाजवाब होता है, बेहतरीन होता है। मैं बचपन से खाता हुआ आ रहा हूँ। अच्छा अच्छा। और अब तक खा रहा हूँ, कोई टेस्ट में इनकी कमी नहीं आई, कोई फ़र्क नहीं आया। बाले भाई की चाट ऐसी है, सिर्फ आप तसव्वुर भी कर लो तो मुँह में टेस्ट आ जाता है इनका। सबसे अच्छी पापड़ी कहलाती है मोटी पापड़ी, उदाई के साथ मोटी वाली। ये है 35 ग्राम की है। ऑर्डर में बनाते होंगे। जैसे मैं मिला रहा हूँ ना। जब वाले भाई आप ये इसको, हमने एक आध जगह देखा है कि वहाँ जो है वो बाकायदा लिख के लगाया हुआ है कि चाट को जो है ना वो मिक्स ना करें। हाँ तो आप तो बाकायदा मिक्स खुद के खुद से दे रहे हैं, तो क्या वजह है इसकी? जब तक इसको है ना बिस्मिल्लाह करके मैं मिक्स करता हूँ, इसका जायका बनाता हूँ, और बिस्मिल्लाह में जायके में वो तो है बरकत, और ये बरकत होती है हर काम में। बिस्मिल्लाह करता हूँ, डेली मिक्स करूँगा ना जायका बनेगा, मसाला मिक्स हो जाता है। अगर मैं मसाला डाल दूँगा एक ही जगह, फिर वो खाएगा क्या? इधर नमक चला जाएगा, इधर मिर्ची चली जाएगी, इधर खड़ाई हुई हो जाएगी। तो ऐसे इससे बेहतर है मिक्स करें। मैं आपको जरा सा मिक्स करके भी बताऊंगा। जी जी जी। अब ये बनने की पापड़ी यार अभी आया नहीं है, आया और लाने के लिए। ये मैंने चटनी डाली है, मीठी चटनी है ये, और इसमें इसको डिप किया, और ये मैं इसको मस्त छोले डाल रहा हूँ। ये मैंने आलू छोले डाले, ये मसाले, ये इसके ऊपर दही का तड़का। ये कितने की है वाली? ये 50 रुपए की एक होती है। अच्छा। हाँ 100 रुपए की प्लेट है। दो पापड़ के साथ। हाँ ये छोलों का पानी और ये मीठी चटनी दोबारा से, और इसे पकड़ के खाई जाती है सूखी तरह से। और ये भाई को दूंगा उसको। ये देखो आप उधर के बनाए इनके कैसे खाते हैं। कितने साल नहीं है? अच्छा अच्छा। कब से आ रहे हैं आप यहाँ पर? 4-5 साल हो गए। तकरीबन 30 साल से इनके खा रहा हूँ। हाँ चने, और हर साल आता हूँ, और हर साल जो है
हर एक दिन छोड़ के जो मैं खाने आता हूँ, लंदन से आया हूँ सिर्फ इसलिए कि सफाई ले गई यहाँ अच्छा के वाले भाई जो है ना वो वन ऑफ द बेस्ट हैं कराची में। बड़े गहरे दोस्त भी हैं, भाई भी हैं। ये यूट्यूब पे तो आप ही आ गए, वरना तो 25 साल से कोई जाता था यूट्यूब को। वाह वाह अरवा ऐसे जो चटनी है, ऐसा पानी है, ऐसी मीठी चटनी है, ऐसा सॉस है, ये कहीं नहीं मिलेगा। पहली बात ये मसालों का कमाल नहीं है, इनके दिल का इनके हाथ का कमाल है, मोहब्बत है, मोहब्बत है। तो ये सारे जो मसाले हैं वो आपके अपने हाथ के बड़े में सब अपने हाथ के बने हुए चटनी मसाले सब खुद बनाते हैं आप? ये अपने हाथ के बने। और आप कितने साल से हैं यहाँ? मैं यहाँ तकरीबन 38 साल हो जाएंगे, और यहाँ आता हूँ मैं 3:30 बजे। रमजानों में भी मेरा यही टाइम है। सही, तो कब तक खत्म हो जाती है? रमजानों में मेरा बस मगरिब से पहले पहले। और अभी आम दिनों में? ये आम दिनों में 5:30 से 6 बजे तक। और आपकी माशाल्लाह से अपनी एज कितनी है वाले भाई? मेरी हाँ मेरी बहुत है माशाल्लाह, तकरीबन 74 या 75 के लगभग। माशाल्लाह ये शौक में लगाया। अच्छा हाँ आपकी बातें भी माशाल्लाह से बड़ी एक बातों से तो मेरी जीत है बातों से, बल्कि एक एक नया नाम है मेरा चल रहा है गुलकंद के नाम से। हाँ अगर आप कहिए आओ वाले भाई वो गुलकंद वाले छोले कहाँ देते हैं बस। और ये एक दफ़ा आप एड्रेस भी दोबारा से थोड़ा समझा दें, वैसे हम इसकी लोकेशन वगैरह भी जो है ना डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे ना। ये जो है ना जहांगीर रोड बस स्टॉप 2 नंबर, ठीक है। यहाँ पे नवेद दूध वाला है ना, इससे अंदर भी गली में इधर आ जाए आप वाले भाई। हाँ और किसी से भी वहाँ से पूछ लो जहांगीर रोड पर तो किलिटन क्वार्टर अंदर है मैदान के अंदर, और वहाँ पे पूछ लो वाले भाई किधर है, वो साफ बता देंगे वाले भाई फला जगह पे बैठे। छुट्टी हमारी कोई नहीं होती, सही, तो पाबंदी से लगाते हैं। बड़ी बड़ी हस्तियाँ खा चुकी हैं, बड़े बड़े क्रिकेटर। हाँ बताया था। हाँ बड़े बड़े क्रिकेटर सियासी हो चाहे कैसी भी आज खाली है सब में, पर वाले भाई से मोहब्बत दो ज्यादा है। चाट अभी कितने की चला रहे हैं? चाट हमारी 80 की है, पार्सल 100 की, और वो जो है डब्बा जो है फूड पांडा का जो है वो है 120। फूड पांडा मतलब वो डब्बे में आकर वो पहले हमारा फूड पांडा चलता था ना, वो हमने बंद कर। अच्छा।